शनिवार को कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची आधिकारिक रूप से घोषित की गई, जिसमें नागपुर लोकसभा से विकास ठाकरे तो वहीं रामटेक लोकसभा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे का नाम घोषित किया गया है, जहां रश्मि बर्वे ने प्रचंड बहुमत से रामटेक लोकसभा जीतने का विश्वास जताया है। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामटेक लोकसभा क्षेत्र से नागपुर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रश्मि बर्वी की उम्मीदवारी की घोषणा की है। महायुति ने अभी तक यहां उम्मीदवार नहीं दिया है। वहीं रश्मि बर्वी का नाम पहले से ही चर्चा में था। उन्हें पूर्व मंत्री सुनील केदार का मजबूत समर्थन प्राप्त है और नागपुर जिला परिषद कांग्रेस की है और जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर उनका जिले में जनसंपर्क काफी बड़ा है, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं इस वक्त हमारे संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि बर्वे ने विश्वास जताया है कि इस बार हम रामटेक लोकसभा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षक मतदार संघ, सरकार क्षेत्र और नागपुर जिला परिषद का दाखिला देते हुए कहा है कि यकीनन हम रामटेक में भी अपना परचम लहराएंगे और पिछले 2.5 साल से दूर हुए विकास कार्य का बैकलॉग पूर्ण करेंगे। बहु प्रतीक्षित रामटेक लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ अभी मौजूद है रश्मि बर्वे, जो लोकसभा उम्मीदवार है रामटेक क्षेत्र से। मैडम, क्या कहना चाहोगे, एक महिलाओं को महाविकास आघाड़ी ने एक टिकट दिया है, इस बार आप पे भरोसा जताया है, किस तरह से भरोसे को आप पूरा करेंगे? महाविकास आघाड़ी ने जो एक अनुसूचित समाज की महिला पे जो भरोसा जताया है, सर्वप्रथम मैं महाविकास आघाड़ी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। महाविकास आघाड़ी ने जो 2019 से जब सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की थी, तब ऐसे विकास कार्य जो है वो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से नागपुर जिला कांग्रेस भाग में हुए हैं, ग्रामीण भाग में हुए हैं, उसका फायदा ये लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में बहुमत में आज जिला परिषद बैठी है, उसके बाद में शिक्षक मतदार संघ में अपना कांग्रेस का एक अच्छा आमदार अपन ने कांग्रेस ने चुन के लाया, पदवीधर संघ में एक कांग्रेस की विजय हुई, सहकार संस्था है, बाजार समिति, इसमें कांग्रेस और आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में पूरा एक ग्रामीण भाग में एक वर्चस्व निर्माण हुआ है, उसका फलित आज लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पिछले 10 साल से रामटेक लोकसभा में शिवसेना का वर्चस्व रहा है, शिवसेना की दो बार दो टर्म जीत के आई है, तो इस बार क्या चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा? ऐसी चुनौतियां काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2020 में जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ और महाविकास आघाड़ी की जब से सरकार आई है 2019 से, तब से लेके कंटिन्यू ग्रामीण में पूरे विकास कार्य हो रहे हैं। अभी कुछ एक डेढ़ साल खंडन था, थोड़ा ब्रेक हो गया था, लेकिन जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार भविष्य में आएंगी तो ब्रेक बैकलॉग जो है वो पूरा हम लोग निकालेंगे। आज आपको अगर मैं बताना चाहूँगी तो कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के हमारी जिला परिषद है, लेकिन जिला परिषद में हमारी जन सुविधा, नागरिक सुविधा, इसका निधि कट कर किया जा रहा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की आज जिला परिषद है। इसका मतलब यही होता है कि जो भारतीय जनता पक्ष, इनके मन में डर बैठा है और इनका कहना है कि हमारे अंदर आप हमारे पक्ष में आप अगर आओगे तो आपके काम होंगे या फिर आपके काम नहीं होंगे। ये जो डर वही साबित करता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रामीण में काम करने के लिए आप माइनस हुए हो। 10 साल से आपकी सत्ता कांग्रेस अपनी भारतीय जनता पक्ष की सेंट्रल में है, राज्य में है, लेकिन उसका क्या फलित है? आज जगह जगह आप देखोगे तो किसानों को कुछ प्रकार की भरपाई नहीं दे पा रहे हो, युवक आज बेरोजगार सड़कों में घूम रहा है, महिलाओं की संख्या आज अन्याय में बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को न्याय देने का कहीं नामो निशान नहीं है। नागपुर एक बाले किला, नागपुर एक RSS का बोला जाता था, लेकिन आज नागपुर में भी कांग्रेस का वर्चस्व है। शिक्षक मतदार संघ आज आमदार कांग्रेस के है, पदवीधर मतदार संघ आज आमदार कांग्रेस का है, और नागपुर जिला परिषद में ग्रामीण भाग में जो वर्चस्व है वो महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस का है। इसमें कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ उस ये होगा, फायदा ही होगा। आपको उम्मीदवारी मिलने के पहले कई लोगों ने इस सीट के लिए उम्मीदवार मांगी थी आप ही के पक्ष में, कई लोगों का कहना था कि दो गुट कांग्रेस में पड़े हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कांग्रेस एक हमारा परिवार है, एक कुटुंब है, परिवार में कम ज्यादा थोड़ा होता जाता है, लेकिन परिवार है, हम लोग सब साथ में है। कांग्रेस पे मुझे पूरा भरोसा है, एक विश्वास है, और उन्हीं की बदौलत आज एक सर्वसामान्य कुटुंब पे, एक महिला पे जो भरोसा जताया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी लगता नहीं। युति का उम्मीदवार अभी घोषित होने का है, युति का उम्मीदवार बताया जा रहा है कि कांग्रेस का ही एक नेता शिंदे गुट में आके लड़ने वाला है, तो उसको क्या चुनौती रहेगी आपके सामने?
उनके पास उम्मीदवार बचे नहीं है। आज कांग्रेस का ही उम्मीदवार लेके कांग्रेस के खिलाफ अगर कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें एक दुर्दैवी दूसरी बाब मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी गोर गरीब जनता ग्रामीण भाग में पूरा सपोर्ट कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को है, इसका फायदा हमें मिलेगा। सामने का उम्मीदवार कोई भी रहे उसका हम लोग कोई नहीं कर सकते। नागपुर ग्रामीण में आप जिला परिषद अध्यक्ष रही है, इसका क्या फायदा मिलने वाला है? ग्रामीण भाग में 2020 से हम आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व से काम कंटिन्यू कर रहे हैं। महिलाओं का एक मुद्दा, किसानों का, युवाओं का, ऐसे भरपूर ऐसे मुद्दे हैं कि जिनमें हम लोग काम कर चुके हैं। महिलाओं के लिए 2020 में 17-20 हज़ार का महिलाओं का बचत गट के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा महिला मेलावा करके हमने मानकापुर स्टेडियम में आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में लिया था, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसानों का जो मुद्दा है, कंटिन्यू किसानों पर जो अन्याय हो रहा है, लेकिन किसानों के मामले में बोलने को अगर देखा जाए तो बोलने में कोई भी सामने नहीं आता। सेंट्रल में, राज्य में आज भारतीय जनता पक्ष की सत्ता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि युवाओं के लिए उन्होंने लाया हो, ऐसा बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे अनेक प्रकार के षड्यंत्र होते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल, आपका लोकसभा इलेक्शन में किस प्रचार का क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जिसको लेके आप चुनाव लड़ेंगे, और आपको क्या लगता है कि आप कितनी मार्जिन से इसको विजय प्राप्त करेंगे? युवाओं का एक मुद्दा है, युवाओं के हाथ को काम देना आज की एक ज़रूरत बन चुकी है, वो सबसे प्रायोरिटी से हम लोग लेंगे। उसके बाद में किसानों का जो 2002 बार गारपीट हुआ है, उसका कुछ भी किसानों को एक मुआवजा जो है, वो मुआवजा किसानों के अकाउंट में नहीं आया है। महिलाओं का जो है, महिलाओं के विषय में महिलाओं का अन्याय जो हो रहा है, उसके बाद में भी कोई बोलने को खाली नहीं है। ये तीनों चारों मुद्दे जो है, व्यवसाय के माध्यम से एक गोर गरीब कुटुंब पे जो कंटिन्यू जो अन्याय सहन कर रहा है, लेकिन उनके पीछे कुछ भी बोलना, आज प्रशासकीय यंत्रणा पूरी काबे में करने की कोशिश कर रहे, लोकशाही को दबाने की कोशिश कर रहे, एक हुकुमशाही राज्य यहाँ भारत में हो ऐसी कोशिश ये सत्ता के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार लोकशाही जैसे पहले थी वैसे ही कार्यरत रहेगी। बिल्कुल जीत का मार्जिन, विकास कार्य हम बोलेंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे तो विकास कार्य जो हमने 2019 से जो किए हैं, विकास कार्य के माध्यम से जीत हमारी बहुमत से रहेंगी और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा। ये थे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रश्मि बर्वे जी। इन्होंने अपना जीत का मार्जिन ये बताया कि विकास कार्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ अपनी विनिंग दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ इमरान शेख, BCN न्यूज़ नागपुर।